नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज। आप देख रहे हैं जीएन भारत। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ और जिले में बिजली पानी की समस्या को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम बिजली आपूर्ति परिसर में किया गया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वीर कुंवर सिंह चौक से बाजार होते हुए पैदल मार्च करते बिजली कार्यालय में पहुंचकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह, पूर्व मंत्री सत्यानंद झा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र मंडल व अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में जब मैं मुख्यमंत्री हुआ करता था, उस समय बालू को मुफ्त कर दिया था और आज की स्थिति यह है कि आप पैसे देकर भी बालू खरीदना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगी। बालू, पत्थर, कोयला और लोहे की चोरी सरकार करवा रही है। इसके अलावा अब जमीन की भी लूट पूरे प्रदेश में हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गुंडे अब आपके घरों में जबरन घुसकर कब्जा कर लेंगे। उस समय बालू में किसी को कोई पैसे नहीं लगते थे, कोई पुलिस किसी को पकड़ता नहीं था, सब कुछ हमने फ्री कर रखा था, लेकिन आज तो वो बालू भी लोगों को नसीब नहीं हो रही है। अगर वो पैसा से भी चाहते हैं तो उनको नहीं मिलता है, उसमें भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है लोगों को। आप जरा सोचिए, इस राज्य में पत्थर की चोरी सरकार करवा रही है, बालों की चोरी सरकार करवा रही है, पत्थर की चोरी सरकार, कोयला की चोरी करवा रही है और लोहा के भी सरकार लूटवा रही है। और इतना ही नहीं, बालू और पत्थर ये खनिज तो लूट हो ही रहा है, आज तो इस राज्य में जमीन की भी लूट हो रही है, उसमें भी यहाँ दलाल लोग लगे हुए पूरे प्रदेश में। अब हालत तो ऐसी हो गई, अगर आपकी भी कोई खाली पड़ी हुई जमीन है, आपकी भी घर अगर खाली कहीं आपने छोड़ दिया और बाहर चले गए, तो वहाँ भी आपको कोई चले जाएंगे, हेमंत सोरेन के गुंडे घुस जाएंगे, बुलडोजर क्या करते हैं, जेसीबी लेकर के तोड़ ताड़ करके कब्जा कर लेंगे और नकली कागज भी बना करके आपके सामने वो प्रस्तुत कर देंगे। और न थाना सुनने वाला है, न ब्लॉक सुनने, न जिला सुनने वाला है, आप फरियाद करते रहिए। हालत ये है इस प्रदेश, हमारे पास तो इतने सारे दस्तावेज है, मैंने राज्य की राजधानी में अगर लूट हो रही है तो बाहर की आप क्या उम्मीद करो, आप समझ सकते हो। हमें तो कई एक दस्तावेज लोग दिए हैं, सरकारी जांच रिपोर्ट वहाँ दर्ज किया हुआ है, जमीन किसी और की, किसी और को फर्जी तरीके से खड़ा करके उस जमीन को भी केवाला करके किसी और के नाम से रजिस्ट्री करके और सरकारी पदाधिकारियों कर्म सिपाहियों को लगा करके अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।